अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर और अच्छे होंगे। मैं आपको टेक्निकल अहमद चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारा वीडियो है सऊदी अरब में जिप्स के काम के बारे में। तो इस यहाँ पे जिप्स का काम हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो, ये पाकिस्तानी भाई लगे हुए हैं, सब सलाम दुआ दे रहे हैं आपको। तो अभी चारों तरफ तो इन्होंने कर लिया, अभी ये सेंटर वाली जगह रहती है, तो इसको अभी आप चेक करें किस तरीके से। मेरे ख्याल से ये इस जगह जो है ना, यही जगह थोड़ा सा मुश्किल होती है। इन्होंने अभी पीस काट कर लाया, अभी लाने का तरीका आप देख यहाँ पे किस तरह ये लगाते हैं। तो ये अभी एक पीस लग गया, उसको अभी दूसरा भी तैयार करेगा, इसको लगाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा भाई जो है ना लगा रहा है सांड, जिप्स के अंदर इधर सांड जो है ना रखते हैं इस तरीके से। सांड को जिप के साथ जो है ना गीला करके, साँड ही बोलता है ना उस्ताद इसको? जी जी, साँड बोलते हैं इसको जी। साँड ही बोलते हैं, हाँ साँड बोलते हैं, साँड अरबी में। तो उर्दू में क्या बोलता है इसे? सन बोलता है। अच्छा, पाकिस्तान में इसको सन बोलते हैं, यहाँ पे साँड बोलते हैं मेरा ख्याल से। तो ये इन्होंने नाप ले लिया, ये एक लगा लिया इसी तरीके से। तो ये सब जो गैप रह जाते हैं ना, ये स्टील बिल्डिंग वेयर बाद में ये काट लेते हैं, गज उतार देते हैं, ठीक हो गया। और ये बिल्कुल लेवल के ऊपर ये गज लगाना पड़ते हैं, गज उतारने के बाद ये तार भी निकाल देते हैं, बाद में इसका पिलिंग कर देते हैं। ये जो सुराख और जो छोटा छोटा जगह जो छुड़ी हुई होती है ना, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सब पिलिंग करते हैं। इस तरीके से चारों तरफ इन्होंने लगाया, पहले वो दीवार पर जो है ना आप देख, एक पट्टी के लिए जो है ना पूरा निशान लेवल में लगाया तोड़ तक चारों तरफ, और उसके बाद इतने गज लगाया। और ये पहले जो है ना ऊपर ये लगाया, ये पहली पट्टी, और ये बक्सा फिर बनवाया। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो अभी जब ये पीस आएगा तो ये आपको बताएंगे तो ये किस तरह बांधते हैं। फिर ये आखिरी पीस रह गया, इसके साथ क्या तरतीब करते हैं हम भी देख लेंगे। ऑफिस आ गया, बन गया, अभी पता चलेगा होता किस तरह की है। और दूसरा भाई जो है ना उधर पिलिंग कर रहा है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सफाई कर रहा है उसका और पिलिंग कर रहा है किस तरीके से गीला करके। ये पीस इन्होंने काटा, यह अभी चेक करेगा पहले। हाँ, टैक्स हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें गैप है, हाँ, यानी बिल्कुल टायर जो है ना ये नहीं काटते, थोड़ा सा जो है ना छोटा पीस लगाते हैं ताकि ये बैठ जाए आसानी। तो इस वजह से पीस तो इनका बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने सांड लगाना है। अच्छा, ऊपर अगर आपको गट्टी नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रही, वो इसी तरीके से होके लगाते हैं जिस तरह दीवार में लगी हुई, ये दीवार के ऊपर लगा हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह ऊपर छत पे फिर बिल्डिंग वेयर भी बांधते हैं, और ये सांड भी जो है ना इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तरतीब अभी देखिए आप, ये भाई अभी लगाने वाला है सांड को, उधर भिगो दिया है उसने जिप्स में, ठीक हो गया। भिगोने के बाद ऊपर लेकर गया, वो पिछला जो पीस है उसको जो है ना लगा रहा है ताकि उसके पकड़ बन जाए, मजबूती बन जाए। तो ये दूसरा भी इस तरह लगवा रहा है, ठीक हो गया। इसकी मजबूती किस तरह करते हैं? ये पिछला जो पीस था उसको इस तरह मजबूत कर दिया, क्योंकि इधर तो हाथ पहुंचता है, लेकिन इसके साथ क्या करेगी, इधर तो हाथ नहीं पहुंचता, नहीं पहुँचे के बाद में तो वो तरतीब हम भी सीखेंगे। अभी आप भी देख ले किस तरीके से होता है। दूसरा भाई उधर पिलिंग कर रहा है किस तरीके से, जिस लगा के पिलिंग हो रहा है साइड पे, तो इधर भी इसी तरीके से हो रहा है। पीस लगाने में अभी टाइम है, और दूसरी साइड पे भी अभी ये मजबूती दे रहा है, क्योंकि इस जगह के ऊपर से मजबूती नहीं दिया जा सकता जिस तरह वो ऊपर दिया हुआ है। दूसरा भाई उधर क्या कर रहे थे,
सफाई का काम आगे हो रहा है, जो पिलिंग का काम कर रहा है किस तरीके से हो। इस तरीके से फिर तो सफाई सफाई करता है इस तरह। तो अभी वो ब्रश भी लगा रहे हैं, इस तरह सफाई हुआ, गीला करने के बाद भी इस तरह कर रहे हैं। तो इधर अभी बाइक के पास जिप्स आया, तो इधर अभी इसने उठाया। हाँ अभी मैं फीस लगाने का तरीका भी देख, चारों तरफ इसने इस तरह लगाना है जिस तरह लगाया, और दो तरफ लगा दिया, थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। ढीला होने की वजह ये है कि वो इसके साथ चिपक जाएगा, फिर ठीक हो गया। लियाकत खान है इसका, और देखो ऊपर किस तरह वो हुक के साथ इन्होंने लपेटा, हुक के साथ लपेट लिया। अभी ये दूसरा भी लपेट रहा है हुक के साथ, ठीक है। शौकत साहब को भी कैमरा मारेंगे, कोई बात नहीं है, ये खान जरूरी है। ये हो गया, ये देख नीचे, इधर भी इसने थोड़ा सा फेरस मेरस लगाया जिप्स इसको गीला करके, हो गया। तो भाई ने उठाया, अभी देख इस तरीके से इसको बिठा रहा है, हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखे माशाल्लाह, ये हो गया। इसमें ऐसे अभी कोई अंदर जाने का और बाहर आने का रास्ता नहीं है, तो अभी इस तरह फिलिंग करेंगे बाद में, ये जो रह गया ये इस तरह फिलिंग बाद में होगा। अभी इन्होंने पत्ते वगैरह निकालने, तो ठीक है, अपने भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।